Hi, I'm back again with something new and intelligent. Yes, intelligent, that means our new intelligent cleansing gel. This is a supreme cleansing gel which is very intelligent. It will work as a guardian for your skin, but how come? इसी की बात की थी मैंने अपने इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चैनल पे, बट आज मैं आपसे बात करूँगी इस प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी जानें ये क्यों इतना खास है। 1 month हो गया इस प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करते हुए, बट रिजल्ट्स आने के बाद मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि ये क्यों मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च होना और हमारा बता देना काफ़ी नहीं होता। जो मेरे लिए है उसको मैं यूज़ भी करना चाहूँगी, तो मैंने यूज़ करा, इसके रिजल्ट्स देखे और अब मैं आज आपसे इसके बारे में शेयर करूँगी ये है क्या और ये गार्डन कैसे है। यू कैन हैव अ लुक। देखिए, हमारी जैसे जैसे वी एज वी गेट ओल्डर, बट येस, हम ज़रूर कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे और होना भी नहीं चाहेंगे, बट अगर हम ग्रो करें ब्यूटीफुली तो डेफिनेटली हम हर किसी से अपनी एज शेयर करना चाहेंगे क्योंकि वो हमें कॉम्प्लीमेंट करती है। और मैं बताना चाहूँगी इस प्रोडक्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा। हमारी स्किन के अंदर एग्रेसर्स होते हैं, जो एग्रेसर्स होते हैं वो एजिंग करते हैं, बट इस प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको हेल्प करेगा, वो है प्लांट स्टेम सेल। वो कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और वो एजिंग के प्रोसेस को जब स्लो डाउन करेगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपकी स्किन जो है वो यंग होगी। उसके अलावा इसके अंदर पावरफुल हम बेसिकली जो इसका परफेक्ट पार्टनर, जो जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास हो गया, वो इसलिए कि इसका जो परफेक्ट पार्टनर है वो है पावरफुल हीरो टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्किन और एज के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, और ये हमारी तीनों ही नोव एज के रेंजेस के अंदर प्रोडक्ट ऐड किया गया है। यू कैन सी कैसे एग्रेसर्स आपकी स्किन के जो बाइंडर्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, और कैसे ये प्रोटेक्शन दे रहा है उसको, और वो बाइंडर्स में से एग्रेसर्स को रिमूव कर रहा है, और उसके अलावा उसको हटाने के बाद आपके बाइंडर्स को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, और यू कैन सी आपकी स्किन कितनी क्लियर हो रही है। ये जो क्लेम्स हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़े होते हैं, लिखे होते हैं, वो प्रूवन रिजल्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी मोर देन 100,000 वुमन के ऊपर ट्राई और टेस्टेड है। उनके क्लेम्स, उनके रिजल्ट्स हम शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बनाया और दे दिया, डेफिनेटली, और वो प्रोडक्ट वहाँ से आने के बावजूद भी हम लोग अपना एक्सपीरियंस इसमें डाल रहे हैं, अपने रिजल्ट्स जो हमने पाए वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर देना या बना देना इज़ नॉट अनफ, यहाँ पर ह्यूमन टच जुड़ा है, क्योंकि ये ट्राई टेस्टिंग भी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे की जा रही है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आई रियली लव दिस रेंज। मैं खुद भी नोव एज ही यूज़ करती थी बिकॉज मेरी एज के लिए अब मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। आई एम नॉट दैट यंग, मेरी एज 39 ईयर्स है, तो मेरे को मेरी स्किन और एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए। मेरी स्किन सेंसिटिव है, प्रॉब्लमैटिक है, उसके अलावा कॉम्बिनेशन है, बट अब टेंडेंसी ड्राई की तरफ बढ़ रही है। ये एक ऐसी स्किन कंसर्न रहती है जिसके लिए इतनी जल्दी कुछ भी समझ नहीं आता, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। बट ये यूज़ कैसे करना है, अभी तक हम सेपरेटली क्लेंजर और टोनर बाय करते थे, बट नोव एज के तीनों सेट में उस दोनों प्रोडक्ट को रिप्लेस करके एक प्रोडक्ट को ऐड किया गया। यू कैन सी, ये देखो इतना स्मूथ है, वन गो ग्लाइड है इसका, मतलब सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और यूज़ कैसे करूँगी मैं, लिया, बहुत जेंटली आप इसे यूज़ करोगे, मैंने कुछ मिक्स नहीं करा, इतना स्मूथ है इसका टेक्सचर, इतना इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फाइन है, बिल्कुल इचिंग नहीं हो रही, एकदम स्मूथ। और ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा लैदर फॉर्म हो वो बहुत अच्छा होता है, डेफिनेटली नॉट। यू कैन यूज़ ईजिली, आप इसको पूरे फेस पे यूज़ करो, एक ड्रॉप इनफ है। एक बॉटल जो है दैट इज़ फॉर 150 ml, इसकी क्वांटिटी 150 ml है, आप आराम से इसको 2-3 महीने यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मतलब बेस्ट प्राइस इसे रखा गया है, एंड दिस इज़ अ वंडर प्रोडक्ट, डेफिनेटली आप देख सकते हो। मैंने कुछ भी टच नहीं करा, मैं सिर्फ इसी क्लेंजर को यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई चीज़ इसके साथ मिक्स नहीं करी, और मैंने इसको पूरे फेस पे यूज़ कर लिया, डे टाइम, नाइट टाइम, अलग से मुझे दो दो प्रोडक्ट कैरी नहीं करने, और मैं इस एक प्रोडक्ट को ही यूज़ करके अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर सकती हूँ।
और यूज करना वेरी सिंपल. नोजल है तो क्वांटिटी भी लिमिटेड निकलेगी, गिरने की फैलने का कोई कंसर्न नहीं है. कॉटन को मैंने अच्छे से गीला कर लिया था, लेकिन प्रेस कर लिया जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल आए, और उससे मैं पूरा वाइप ऑफ कर रही हूँ पूरा फेस. बिकॉज मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं वॉश ऑफ के लिए नहीं जा रही, अदरवाइज आप इसे यूज़ करने के बाद वॉश ऑफ या वाइप ऑफ वट एवर यू लाइक आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ अ क्लेंजर विच कैन बी यूज इन टू वेज. आप मेकअप को भी ईजिली सारे ट्रेसेस उसके रिमूव कर सकते हो. जस्ट सी जितना डर्ट ग्राइम था वो मेरे फेस का इसमें निकल आया. एक बार से तसल्ली नहीं होती क्योंकि खूब सारा वॉश करने की हैबिट होती है, डेफिनेटली वो तसल्ली मुझे करनी है. उसके लिए आई कैन यूज इट ट्वाइस. मैं दोबारा अपने फेस को वाइप ऑफ कर रही हूँ, और इसके अंदर टोनर और क्लेंजर दोनों की प्रॉपर्टी है. इसको यूज करने के बाद मुझे अलग से कुछ भी अप्लाई नहीं करना, मैं डायरेक्ट अपने फेस पे मॉइस्चराइजर यूज कर सकती हूँ. ओके एंड जस्ट सी हियर इट इज अ क्लियर फेस, अ सूदिंग फेस. माई स्किन इज सेंसिटिव, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता. कोई भी चीज में लगाती हूँ मुझे एकदम इचिंग होती है, वेदर इट्स ऑफ एनी ब्रांड, एबीसी एक्सवाईजेड व्हाटएवर ब्रांड इट इज. बट यस, ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट करा है. तो कोई भी जो 30 अबव हैं, 40 अबव हैं, 50 अबव हैं, 60 अबव हैं, दे ऑल कैन यूज दिस प्रोडक्ट. दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट. इसके साथ वी हैव 3 रेंजेस, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर करा, उन तीनों रेंजेस में इस प्रोडक्ट को ऐड करा गया है. इसके साथ हमारे पास ब्राइट सबलाइन रेंज तो है ही, यू कैन हैव अ लुक, जिसका ये फेस वॉश मैंने यूज करवाया. हियर इट इज, दिस इज अ ब्राइट सबलाइन रेंज, ये तो है ही. इसके अलावा वी हैव इकोलाजन रेंज, जिनकी स्किन ऑयली है. अल्टीमेट लिफ्ट है हमारे पास, जिनकी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड है, 35-45 अबाव, उन सब के लिए ये जाएगी. और ब्राइट सबलाइन, जिनको कम्प्लेक्शन क्लियर चाहिए. इसको यूज करने के बाद मुझे एकदम सॉफ्ट और सूदिंग लग रहा है, और इसके बाद मैं हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी. मुझे एसिड बहुत नीड नहीं लग रही, जबकि पहले लगता था, ये चेंज ऑफ वेदर मुझे बहुत प्रॉब्लम देता था. बट नाउ आई कैन यूज, मतलब इजीली लगा सकती हूँ, नहीं भी लगाऊं तो भी. इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि अभी डे टाइम है और मुझे बाहर जाना है. हम नोवेज का जो भी सेट आप लोगे आप वो प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, बट अभी मेरे को बाहर जाना है. तो आई जस्ट अप्लाई अ सनस्क्रीन और अ डे क्रीम. और लगाने का तरीका कैसे होता है, कभी भी कोई डे क्रीम आप लगाओ, कोशिश करो तो स्पेचुला से, क्वांटिटी उतनी जितनी. अब ये बॉटल थी, ट्यूब थी, तो मैंने इसको निकाला, डॉट्स में लगाया. रेस्ट नॉट ऑन फेस, दैट्स फॉर हैंड्स. और उसको मैं फेस पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ फिंगर से जो मैंने फेस पे लगाया है उसको मैं ऑल ओवर पूरे फेस पे मैं स्प्रेड कर दूंगी. जस्ट दैट्स इट. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. ये आप सबके लिए है, वेदर इट्स ऑफ एनी एज, एनी स्किन टाइप, एनी स्किन कंसर्न. यू कैन बाय इट सेपरेटली, और अगर आप सेट बाय करना चाहो तो सेट के साथ भी. क्लेंजर टोनर सेपरेट नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट वर्क कर जाएगा, और जैसा नाम है वैसा ही काम. सुप्रीम क्लेंजिंग जेल, इट्स एन इंटेलिजेंट क्लेंजर. ऑल द बेस्ट.